नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा बटेंगे तो कटेंगे। मनोज तिवारी ने कहा जब भी बटे हैं तब तब देश के टुकड़े हुए हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने। दिल्ली से भाजपा सांसद व भोजपुरी के मशहूर गायक मनोज तिवारी ने बंटेंगे तो कटेंगे के नारे की वकालत करते हुए कहा कि हम जब भी बंटे हैं देश के टुकड़े हुए हैं। इसलिए यह लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है। श्री तिवारी 5 दिवसीय बलिया महोत्सव के समापन पर अपनी प्रस्तुति देने शुक्रवार की देर शाम आए थे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि हम बंटे तो देश के टुकड़े हुए। बंटेंगे तो कटेंगे की लाइन वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बंटेंगे तो हमें बांटने वाले कल महफिल सजाएंगे। इसलिए देश के लोगों से यही कहूंगा कि अब हमें बंटना नहीं है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलना है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भाजपा का नया नामकरण करने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि खड़गे जी ने राहुल गांधी के खटाखट वाले दावे पर ही सवाल उठा दिया है। उनके द्वारा भाजपा को विश्वासघाती पार्टी कहने पर देश कितना विश्वास करेगा यह तो वह भी जानते हैं। लेकिन खड़गे द्वारा राहुल गांधी के खटाखट पर सवाल उठना आज देश में चर्चा का विषय है। कांग्रेस जो देश के संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को गिराने में लगी है, देश के लोग अब उसको पहचान चुके हैं। ऐसा सफलता देख के जितना हम खुश बानी उससे ज्यादा बलिया के लोग खुश बा। बलिया एगो संस्कृति के नाम, बलिया भृगु बाबा के धरती, बलिया मंगल पांडे चिंतू पांडे जी के धरती, बलिया जयप्रकाश जी के धरती और बलिया गंगा जी के धरती। एक से एक तपस्वी मुनि भैलवाड़े बलिया अपन स्वतंत्रता में भी जौन योगदान केले बा। बलिया महोत्सव खूब सजे के चाही, दुनिया भर के लोग बलिया आवे ताकि बलिया से ऊर्जा लेके जाए। हम आज बहुत खुश होके वापस जातानी। थैंक यू दया शंकर सिंह जी के और जिला प्रशासन बलिया के बलिया महोत्सव खातिर। आगे ददरी के मेला बा बहुत सफल होके हमारी शुभकामना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा का उन्होंने नया नाम दिया कि विश्वासघात जुमला पार्टी, खड़गे का ये बयान है। खड़गे जी ने राहुल गांधी जी के खटाखट पे ही सवाल उठा दिया है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो बीजेपी के लिए क्या कहते हैं और देश कितना विश्वास करेगा ये तो खड़गे जी भी जानते हैं। लेकिन खड़गे जी का राहुल जी के खटाखट पे सवाल उठाना आज कांग्रेस में और देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। कांग्रेस लोकतंत्र को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो गिराने में लगी है, अब देश के लोग उसको पहचान रहे। बटेंगे और कटेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? ट्वीट किया है उन्होंने, बिल्कुल सही है, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये लाइन कोई छोटी नहीं है। हम जब भी बटे तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गया, ये किसी से छुपा थोड़ी है। हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया। इसलिए अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले कल महफिल सजाएंगे। इसलिए हम भी कहते हैं, हे मेरे उत्तर प्रदेश और हे मेरे देश के लोगों, अब हमें बटना नहीं है, अब कदम से कदम मिला के साथ चलना। खड़गे जी का जो आया कि प्रधानमंत्री ने जो 16 मई 2024 में कहा था कि हमने 2047 के लिए 20 लाख लोगों से रोड मैप की राय ली है, जो पीएमओ कराए जानकारी मांगेगी RTI के तहत, तो वो जानकारी जो है नहीं दी गई, क्या कहेंगे? सारी जानकारी फोरम पे है। अब खड़गे जी को और कांग्रेस को अगर वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते? महाराष्ट्र चुनाव में क्या रहेगी बीजेपी की स्थिति? महाराष्ट्र में जीतेंगे, झारखंड में जीतेंगे, सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र में? दिल्ली में जीतेंगे। अभी हम जैसी व्यवस्था चल रही है
ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पोस्ट न्यूज।